नमस्कार, मैं तादर चचों आप सभी को वॉइस नाउ पर स्वागत करते हैं। और आज हम आपको कुरुंकुमे ज़िला की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉलोरियंग की डेली मार्केट का प्रगति और अन्य चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से आने वाला आता है और इस तरफ है डीसी ऑफिस का रास्ता, और इस गली में से यहाँ एक छोटा सा गली है जहाँ से डेली मार्केट घुसता है, और ये अनोखा शानदार है। ये है नज़ारा कुरुंकुमे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मार्केट, डेली मार्केट। और ऐसे डेली मार्केट में अरुणाचल प्रदेश में हर मार्केट को गांधी मार्केट कहा जाता है, लेकिन इसमें अनोखा बात यह है कि यहाँ पर इस मार्केट को गांधी मार्केट कहा नहीं गया है अब तक। इस मार्केट को नामकरण करने का है। अनना अमिंगे नंगराम रोई, देखिए इस तरह से हमारा कुरुंकुमे अभी एक दो कदम आगे की ओर बढ़ रहा है, कम से कम व्यापार करना सीख गए हैं। शु शु मार्केट से दो कुलीपा सितंबर 2000 शु मार्केट आमिंग है ऑल बाजार उतना सिर्फ। अच्छा, शु कसु मार्केट सम न्यो कुछ हुई है परमानेंट मार्केट दोमा दे आए तो गवर्नमेंट लोग नाम सा मैंने से तो काजी पर मेरा नाम बिंगिया रीमा है। बिंगिया रीमा, और मैं जानना चाहूँगा इस मार्केट का नाम क्या है? कलोरिंग कान बिंगिया पतम डेली मार्केट ऐसे है। तो अभी तक इसका इनोग्रेशन किया क्या? इनोग्रेशन नहीं हुआ है, खुला है। अच्छा, तो ये बिंगियापट्टनम का मार्केट है बोल के डेली मार्केट। हाँ, बिंगियापट्टनम डेली मार्केट है बोल के इस जमीन को बिंगियापट्टनम ने यहाँ का जनता को फ्री में दिया है क्या? ये टेंडर में दिया है। टेंडर में दिया है। हाँ। तो इसका टैक्स कौन लेता है? इसका टैक्स ये टेंडर में देखे बजर ये करके बजर कमेटी लोग थोड़ा ये कर देखे, उसका बाद में ये बिंगियापट्टनम मालिक को ही उसका रेंट का ये फी को देता है। रेंट का फी को आप लोग देते हैं ना, मार्केट कमेटी का ओर से देता है? मार्केट हम लोग देता है एडजस्ट करके। आप लोग मार्केट कमेटी को देता है ना पोटम को देता है? मार्केट कमेटी को देता है। तो मार्केट कमेटी बिंगिया पोटम को देता है, यानी इसमें तीन स्टेप है, थ्री टायर। अच्छा, और इसका जो बिल्डिंग ये जो तिनासना अभी जो टेम्पोररी जितना भी लगाया है, इसके लिए लोकम तसर का तरफ से या सरकार का तरफ से डीसी बिंगिया एनर्जी का तरफ से कुछ मदद आया? मैं नॉलेज नहीं है, ये जमीन मालिक खुद किया है। मेरा ये से मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जानने का है। और ये उसका बाद गुजर मेहरबानी करके हमारा ये क्लोरिंग मार्केट में एक जगह में हर सामान मिलना चाहिए और डेली मार्केट होना चाहिए। कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ में क्लीन क्लोरिंग ग्रीन क्लोरिंग चाहिए बोल के ना, इसीलिए वो हमारा नया ये आने वाला कमेटी लोग मेहरबानी करके इसको बनाया। और अभी तक सरकार ने आप लोग को नहीं दिया, तो सरकार को आपका तरफ से क्या मांग रखना चाहेगा? हम सरकार से हमारा कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट डीसी से हम मांगना चाहता है कि हमारा यहाँ क्लोरिंग में ऐसा कमेटी लोग आके ऐसा आगे ट्राई कर दिया है, और हम लोग को अभी यहाँ में ऋण देने के लिए भी हम लोग का यहाँ इंतजाम नहीं होता है। गवर्नमेंट भी ठीक तक नहीं है हमारा कलोरिंग में, ये हमारा ये एमएलए का चेहरा नहीं दिखता, यहाँ कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ बुजर सेलिंग भी नहीं है। इसलिए हम लोग सोचता है कि मांग करता है हमारा डीसी कुरुंकुमे और हमारा क्लोरिंग का पब्लिक OLOSR सबको सपोर्ट देके हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को यहाँ बुजर पुल दे उस पुल देना है। इसके लिए हमारा यहाँ का बुजर बैठने वाला के लिए हम लोग हम सब उसके लिए डिमांड है। जैसे भी करके हम लोग को यहाँ में गवर्नमेंट का तरफ से मार्केट देना है, जमीन एडजस्टमेंट कर देना है, जैसे भी करके उसके लिए हम लोग हम सब मांग है।
और यहाँ जितना भी बेतरा है वही सब उसके लिए दीमन है। और बुजुर्ग ये कमेटी लोग को भी हम लोग का यहाँ बैठने वाला सब हम लोग का प्रसन्न करता है, उसको दीमन करता है, उसको जल्दी से जल्द हम लोग को कर देना है। यहाँ हम लोग ये रेंट देने के लिए भी नहीं निकलता है, यहाँ बहुत नक्सन भी है और दूर है बोल के कोई यहाँ आता भी नहीं है, और कोई नहीं आता है, कोई लोग आता है, लेकिन इसके लिए हम लोग का सोच है कि गवर्नमेंट तरफ में देखे हम लोग यहाँ दुख दर्द लोग को, जो नौकरी नहीं है, जो कुछ इनकम नहीं है, कुछ ये हम लोग का ये सब को पब्लिक को यहाँ गवर्नमेंट का ये जमीन देके गवर्नमेंट बुजर खोल देना है, वही हम लोग का मांग है। और मैडम जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से मार्केट सेट दिया जाता है सब्जी बिकने के लिए ना, ऐसे मार्केट सेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मदद आया आप लोग के लिए? ऐसे कभी भी उसके लिए हम लोग को ये भी नहीं है, हम लोग को कभी भी इसके लिए हम लोग को नॉलेज भी नहीं दिया और डायरेक्शन भी नहीं किया, कुछ भी ऐसे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको कुरुंग कुमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मार्केट का नजारा और बिंदास दिखाता हूँ। भाई आपका नाम? शंकुमार। कितना क्लास में है? क्लास 6। आप मार्केट में कितना घंटा बैठते हैं यहाँ? अभी आया। अच्छा मम्मी जब एब्सेंट रहते हैं आप बैठते हैं? ये बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप पढ़ाई करते हैं? तो दर्शकों इसको बोलते हैं अर्निंग एंड लर्निंग, हमको पढ़ाई भी करना चाहिए और कमाना भी चाहिए। तो इन बच्चों से अवश्य जरूर सीखे कि हम अर्निंग और लर्निंग पॉलिसीज को कैसे अडॉप्ट करें। इसके लिए सरकार ने एक ओपन स्कूल भी खोला है और ओपन यूनिवर्सिटी भी खोला है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी इसके लिए किया जाता है, लेकिन ये स्कूली बच्चे बिंदास, फिर से एक नाम बताइए। शंकुमार। देखे ये माँ की एब्सेंस में माँ की सेवा कर रहे हैं, यानी घर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा सेवा कार्य करने वाले बच्चे वीर पुत्र आज हमारे सामने है, बहुत खुश हूँ मैं। फिर से एक बार आपका दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेगा? कुछ नहीं बोलो दोस्तों को, आप भी ऐसे करो तो मैं अब आगे और बढ़ रहा हूँ। दीदी आपका मछली, मैडम जी मछली कहाँ से आते हैं? असम के ना। और मुर्गी असम से। और यहाँ का कुछ लोकल बेचते हैं आप? अरे वाह, लोकल क्या बेचते हैं? हाँ कभी कभी, लेकिन रेगुलर नहीं मिलते हैं ना। दर्शकों इससे आप समझ लीजिए कि यहाँ का लोकल प्रोडक्ट अभी तक यहाँ कमज़ोर है, और यहाँ पर कुरुंग कुमें में लोकल प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरत है ताकि लोकल लोग आगे बढ़ सके, जिसको मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। मेरा नाम बामा कब्जी। हाँ हम लोग का पब्लिक सपोर्ट करके ना, हम लोग को मेन रोड अभी भी ये बोल रहा है ना, मेन रोड में थोड़ा देखे ना, मेन रोड मतलब टाउन का एरिया में जगह में देखे। अभी हम लोग 1-2 किलो को भी ना, आधा किलो को लोग कहने बंद होने से भी, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना, कोलोरिंग को पूरा मालूम है ना, बारिश से बारिश होता है, बारिश है फिर कीचड़ कीचड़ है रास्ता भी, पैदल जाने के कोई लोग कहने मन होने से भी फिर निकलने नहीं सकते हैं। अरे बिजली भी आ गए, यानी आपका मतलब जो है ये कॉर्नर हो गया इसलिए सेलिंग नहीं है। हाँ इसलिए टाउन में ईटानगर कहीं कहीं बोलने से उधर में तो 12 गाड़ी अवेलेबल मिलता है ना, उसको सब्जी लेने के जाने के लिए ना। यहाँ में हम लोग गाड़ी वालों को आके लेता है दूर होने से, फिर नहीं होने वालों 1-2 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम कोई लोग लेता है ना, इसे लेने नहीं सकता है ना, उसका वजह से हम लोग का कुछ भी सेलिंग नहीं हो रहा है, इसे है। ये थे दिल्ली मार्केट कॉलोरियंग का नज़ारा और व्यापारों की मांग। आज से कई महीना पहले आप सभी ने यहाँ के विधायक श्रीमान लोकम तसर जी का वायरल वीडियो जरूर देखे होंगे, जहाँ पर लोकम तसर जी दादागिरी करने का बात करते हैं और उन पर बकरी चोरी आरोप का वायरल वीडियो। तसर जी का इस वायरल वीडियो पर आप सभी लोग एक नज़र अवश्य डालें। अभी वो दिखता है दादागिरी आपस में करके देखता है हम कितना आगे बढ़ते हैं, हम कितना बढ़ेगा। अरे दादागिरी करके तो दादागिरी के लिए अभी हम तैयार शुरू कर दिया। हम दादागिरी को करके आया, हर चीज को करके आया, हम सिंपल आना करते भी आता है, सिंपल सेवा पूजी बना रहे भी आता है। अच्छा फोन खोला रहा, अभी 6 जमा भरी लेगा, हम लोग अभी जग रहा होगा और हम एक तपर लगा, हम छोड़ने वाला नहीं, 2 तपर मारेगा और एक सेगा क्या, एक बुक्सिंग से भी आदमी मोड़ सकता है।
कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो चीन बॉर्डर से आए हैं, भारतीय नियमों को समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स सीखेंगे, दादागिरी करेंगे और अब दादागिरी शुरू कर दी है। पिछले दिनों लोकल मीडिया में एक चर्चा विधायक लोकम तसर के बकरी चुराने की भी रही। बताया जाता है कि बात बढ़ने पर बकरी की मालिक के साथ लोकम तसर ने 1.5 लाख में मामला रफा दफा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अभी आप सभी ने देख लिया कि लोकम तसर का दादागिरी वायरल वीडियो और उन पर बकरी चोर का आरोप। आज हम इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। कोलोरियंग एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रगति का हालात देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ के माननीय विधायक श्रीमान लोकम तसर जी को वास्तव में दादागिरी करने की ज़रूरत है। दर्शकों, हम ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि दादागिरी का दूसरा शब्द है बहादुरी। आज तक कोलोरियंग का लोगों ने श्रीमान लोकम तसर जी का दादागिरी नहीं देखा है और उन्होंने कभी दादागिरी नहीं किया है। लोकम तसर अगर दादागिरी होते तो PMGSY रोड चेलो विलेज आज तक पूरा हो जाना था। तसर जी के दादागिरी नहीं होने के वजह से यह छोटा सा चेलो रोड पिछले 12 सालों से अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा ही और कई सारा प्रोजेक्ट है जो कि समय पर पूरा नहीं हो रहा है। विधायक लोकम तसर अगर दादागिरी होते तो कोलोरियंग की हर एक प्रोजेक्ट सही समय में पूरा होता। लेकिन आज के बाद श्रीमान लोकम तसर जी को कोलोरियंग के मार्केट, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को तेज गति के साथ विकास करने के लिए श्रीमान लोकम तसर जी को दादागिरी करने की बहुत ज़रूरत है। संपूर्ण कोलोरियंग को विकास करने के लिए बकरी चोरी नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और केंद्र सरकार से डेवलपमेंट पैकेज की चोरी करने का ज़रूरत है, क्योंकि कोलोरियंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि का विकास हो। इस पर कोलोरियंग एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता उनके अपने विधायक श्रीमान लोकम तसर जी की दादागिरी और चोर को प्रगति के लिए देखना चाहते हैं। इसी के साथ हम आप सभी से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।